स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराढ्यं वंदे प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग यहाँ क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। यहाँ पे तनिका मैडम जी शायद आप केस टेकिंग करवाना चाहती हैं। एक मिनट मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ आप देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग? जी 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 सर, मैं हाँ अभी सर तो उनको बोलती हूँ, वो अभी ज्वाइन करते हैं सर। ठीक है, आप उनको लेके आइए फिर हम बात करेंगे। और बाकी लोग कैसे हैं? डॉक्टर हरिहर सर आपका तबीयत कैसा है? सर आपका नाती का लिक्विडाइट हो गया, संसर्जन क्रम हो गया, तो अभी कैसी तबीयत है? हरिहर सर आप सुन पा रहे हैं तो आप बात करिए, शायद पेशेंट देख रहे हैं। जी सर, आपका नाती का क्या हाल चाल है? अभी कहाँ पर है वो? उसको बढ़िया है, हाल एकदम अच्छा है। अभी मैंने उसको पूछा था, क्या तो कहाँ पर है वो? अभी बोला हुआ तो आशीष ने, अरे बुलाया भाई? आशीष ने नहीं बोला है, ए धना भाई, आशीष ने बोला है, आशीष आ आशीष ने क्या बोला है? रहा है सर। उसको तो बढ़िया तबीयत है सर। वो ब्रह्मारी ग्रहण के तीन द्रव्य बताया ना, हाँ, जटामंसी, धमासा, निशोत्तर। निशोतर, हाँ वो तीनों सम प्रमाण में लेने का है हाँ और फाट बना के देने का। हाँ त्रिवित अगर ज्यादा देने से लूज मोशन होंगे तो कम करना है डोज। जी निशोत्तर है सर, ना, उसका डोज कम करना पड़ता है अगर लूज मोशन ज्यादा हो तो। और ये ताम्र भस्म देवे के सूक्ष्म ताम्र भस्म दे किस लिए देना है? आप जो भी दवाई दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं? भ्रम के लिए। भ्रम के लिए ताम्र भस्म का क्या रोल है? वो तो लीवर पे वो काम। सिद्धांत नहीं पढ़ाया था सर, नहीं सर, ताम्र भस्म जो है वो तो लीवर के लिए दवाई है ना, लेखन करता है और यकृत पे काम करता है, उसका जी भ्रम सर, उसका क्या संबंध है? ऐसे ही कुछ भी दवाई कहीं पर भी मत दीजिए, साइड इफेक्ट होता है। ठीक जी सर, है सर, थैंक यू। ये डॉक्टर पेशेंट नवनीत कौर कोई करके आई है मैडम? डॉक्टर नवनीत कौर है क्या पेशेंट? सर मेरा एक फ्रेंड है, हाँ वो भी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर डॉक्टर, और उनके लड़के का लड़का है, नाती है, वो अच्छा थोड़ा डिप्रेशन में आ गया है और छेले 3 साल से अलग अलग दवाएं खा रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं होता, तो आप लाइए ना, केस टेकिंग करेंगे ना, तो कब लाऊं सर? आप आज लाइए, कल लाइए, कभी भी आपको जब मर्जी है तब लाइए। जी सर, तो मैं बताऊंगा आप। हाँ और धना आपका धना भाई को बुलाइए ना, आपके धना भाई जी से भी बात करना है। भाई लियो, धना भाई मेरी बाजू में ही है, जय धना भाई जय द्वारका दी। द्वारका सर जी, जय फिर काम करिए ना। द्वारका जी। जी सर,
जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश सर, आप वीडियो तो ऑन करिए सर। तबीयत बढ़िया है सर। हाँ सर, आप कैसे हैं सर? आपका वमन करने के बाद कैसा लग रहा है सर? बढ़िया बढ़िया है सर। और अभी एक बार धना भाई को दिखाए ना, एक बार धना भाई को दिखाए ना सर। अच्छा, एक कोई और पेशेंट दिखा रहे हैं। सर वीडियो तो मैंने किया है, लेकिन आपका वो चालू है वीडियो। आप तो दिख रहे हैं ना, हाँ जी सर। तो धना भाई के पास ले जाइए। हाँ सर। तो सर, आपने जब वमन किया, नमस्ते सर, मैं अपने आप को नहीं दिखा रहा हूं, आपने जब वमन किया तो आपको क्या फील हुआ सर, वमन करने के बाद? पूरा फ्रेश हो गया सर। अपना ये वमन करने के बाद है ना, मेरा ये चामड़ी पे भी असर हो गया, थोड़ा लाइट गोरा कलर आ रहा है। अच्छा, और मतलब भूख वगैरह कैसी है? भूख, पेट साफ होना, भूख हाँ, ठीक और है? ऐसे सुस्ती आ गया अच्छा, और वहां बारिश हो रहा है क्या सर? है। बारिश अभी सुबह से चालू है सर। अच्छा, और सर एक भगवान का भजन गाएंगे क्या? एक भगवान का भजन गाएंगे, द्वारकाधीश का? अच्छा एक एक सुना दीजिए प्लीज। किन्नौर का जाऊं ने मारे गोमती मनाऊं, हलो रे द्वार का मजाऊं, द्वार का मजाइने वाला प्रभु ने दर्शन करवाने जाऊं, के हलो मारे द्वार का मजाऊं, द्वार का नो मार गबो से तो से इन्हें ले ले मारा मित्र मंडल ने, हलो रे द्वार का मजाऊ ब्र द्वारका रे सुनी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया। आशीष हाँ, और वो आशीष का है, आशीष का पूछना है वमन करने के। आता है सर, ये मेरा मित्र है डॉक्टर साहब, हाँ ठीक है, नमस्ते सर, प्रणाम सर, इनका बताता नाम हूँ क्या सर, है, क्या केस टेकिंग करना डॉक्टर है? शिशिर सवानी सर। हाँ नमस्कार नमस्ते जी। सर, नमस्ते सर, आपका केस टेकिंग करना है क्या? नमस्कार नमस्कार। शशि मैम, आप थोड़ा इनसे बात करिए, इनका कोई पेशेंट है जो डिप्रेशन में है। शशि मैम, हाँ आपको? मेरा पोता है, लड़के का लड़का। वो नहीं है इधर। हेलो हाँ सर, जी सर, आप जी उनको सर। कल लेके आ जाइए, कल कल लेके आ जाइए, हम मंडे को लेके आ जाइए, केस टेकिंग करेंगे। ए उनको तो 4 साल हो गया डिप्रेशन में। सर वो मेरा, स्टडी करते थे। हेलो, हाँ वो सर, हाँ अहमदाबाद में स्टडी करते थे, हाँ सर, वहां से वो डिप्रेशन में आ गया, कुछ हनी ट्रैप में फंस गया था। कोई बात नहीं सर, वो ठीक हो जाएंगे। मेरा एमडी पीएचडी इसी में हुआ है, मानस रोग में, मैं आयुर्वेद की हाँ दवाई से ठीक कर दूंगा। हाँ हाँ तो हम तो थक गए हैं। आज सेवन साइकियाट्रिक्स हमने चेंज बदला, सेवन आप मेरे को दीजिए, आयुर्वेदिक चालू साइकेट्रिस्ट को दीजिए, मैं ठीक करके दूंगा आपको, लेकिन है। मुझे आप अच्छा है गिफ्ट तो देंगे। मैं ठीक कर दूंगा तो मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। क्या क्या देना चाहिए हमें आप यहाँ से। मेरे को एक हाँ टॉफी दे दीजिए, एक टॉफी दे दीजिए, गिफ्ट चाहिए मुझे आपसे, मैं ठीक कर दूंगा आपको। हाँ बाकी तो सब रिपोर्ट नॉर्मल है इनका, हाँ, लेकिन ये आप इतना एक बार बात करा डिप्रेशन दीजिए सर, एक बार का बात सर। करवा दीजिए, तो बात करने से पता चल जाएगा सारा डिप्रेशन। हाँ बात तो अभी मैं यहाँ मेरे साथ बैठा है, बुला दूँ। अभी करना है कि अभी करना है? हाँ यहाँ मेरे साथ आया है हरिहर साहब के वहां मिलने के लिए। ठीक है, आप लाइए, तब तक हम एक और केस देख लेते हैं, केस टिकिंग करके हाँ फिर। 1 मिनट। हाँ आता है। ओ क्या है हरिहर सर, बो? हरिहर सर, थोड़ा 5 मिनट टाइम दीजिए, तनिका मैडम का केस टेकिंग करके फिर आपके पास आते हैं। हाँ सर कर लो पहले उनका। हाँ तनिका मैडम, आप अनम्यूट करिए प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, इनकी नवनीत अपनी नाती को आने में टाइम है वीडियो ना, तब वीडियो तक ऑन कर लो नाम क्या है? सर। नवनीत कौर, नवनीत कौर। डॉक्टर नवनीत कौर। हाँ जी अच्छा हाँ जी अच्छा डॉक्टर ही हैं। हाँ जी सर। बीएमएस हैं और अभी गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं सर पंजाब में। नमस्ते अच्छा, सर। हाँ नमस्ते मैडम जी, आपका केस टेकिंग शशि मैम करेंगी कि बेटी तनिका है। मैडम करेंगी, कोई भी करिए। सर ये इनकी डॉटर है, शी हाँ इज 5 ईयर ओल्ड। एंड सर उनका अभी ये प्रॉब्लम है, इनको ये अभी स्टार्ट हुआ है सर ये। व्हाइट पैचेस, लिकोडर्मा, हाँ जी ठीक हाँ है। जी मैम, सर आप जी थोड़ा पूछिए, विरुद्ध अन्न का सेवन, कृमि का, सब हिस्ट्री हाँ लीजिए जी हाँ मैम। जी सर मैं पूछ रही हूँ। हाँ नवनीत,
एक बारी ना पूरी पूरी हिस्ट्री अपनी देनी हैगी है, मतलब की कहंदे हैगे वो की खांदी है की नहीं खांदी हैगी, है ना, अच्छा की हाँ, वो सारी एक हिस्ट्री दे दो। ठीक है सर, एज इट इज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना वगैरह ठीक है मम्मी बच्चे का, हिंदी बट हिंदी ये हिंदी 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 ठीक है तो मतलब दूध ज्यादा पीती है और खाने में ज्यादा, जैसे बच्चे जंक फूड्स वो खाते हैं वही पसंद करती है, खाना बहुत कम खाती है, फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाती है। ये प्रॉब्लम इसे 3 मंथ्स पहले स्टार्ट हुई थी, उससे पहले शी वॉज ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छा मैम इसके एक बात अलावा बताइए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट साफ होता है रोज बच्चे का? हाँ जी मैम, है लिटिल बिट कॉन्स्टिपेटेड है बट मोशन डेली पास करती है, बच्चे अच्छा लिटिल बिट कॉन्स्टिपेटेड है, तो ये लिटिल बिट जो कॉन्स्टिपेटेड पेट है की ये जब होती से है, पैदा मतलब वो हुई है? कॉन्स्टिपेटेड टाइप की होती है, बट ये करती दिन में 2-3 बार कर लेती है। नहीं तो 2-3 बार दिन में करती है, कभी देखा है कि इसका स्टूल जो है बहुत स्टिकी वगैरह तो नहीं रहता है या क्या कैसा है मतलब नहीं, टेक्सचर, क्योंकि आप समटाइम्स आयुर्वेद के ही फिजिशियन हो वो तो आपको आइडिया ना रहता है, होगा इन चीजों वो का। ना आप छोड़ देते, बकरी की मेंगने नहीं होती वैसे हार्ड सा, समटाइम्स ब्लैक कलर का होता है, समटाइम्स हाँ तो ब्राउनिश होता है मे बी, या बच्चे कुछ खाते हैं उसकी वजह से, मैंने सोचा कलर ऐसा आ जाता है। ये बचपन से है मतलब कि सर हो गया 5 साल के क्या जैसे? हाँ लॉक वाला? ठीक जी, ऐसे बचपन से ही ऐसे, मतलब खाना वगैरह है, कम खाती है, दूध भी ज्यादा पीती थी बचपन में, तो तो फ्रूट्स में क्या इसका ज्यादा पसंद है? हाँ ऐसा ही। हाँ 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 जी हाँ जी मैम। अच्छा, आप जी, अपना क्या कैमरा ठीक पूछा रखो। आपने? हाँ जी, फ्रूट्स हाँ मैं पूछ रही हूँ कि जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं फ्रूट्स में ज्यादा क्या पसंद है? हाँ बड़ा लगा आ दी, फ्रूट्स खाने में, में कौन सा फ्रूट ज्यादा पसंद है? फ्रूट मैम, फ्रूट में सभी एप्पल बनाना, आजकल जैसे हाँ उसका मौसम है, प्लम अच्छा, का वो बहुत खुशी से खाती है, मैंगो बहुत खाती है, सीताफल और फ्रूट्स के साथ दूध फ्रूट वगैरह भी लेती है? खा क्या गुंडा है हाँ क्या जी वो? मैम, दूध तो हाँ दूध पीती है, दूध अच्छा तो जब मर्जी दे दो। हाँ, पाठक सर दही आपका वगैरह पसंद भी, आप होता म्यूट कर लीजिए ना। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर हूँ क्या ऐसा भी होता है, मान लो अभी कुछ मैंने नमकीन अगर कलम उमकीन जिनको लगाया जिस ना तरह बहुत के ज्यादा चिप तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा उनको। मैम, योर साउंड इज नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट। हाँ एक मिनट मैं रुकिए, पुणे कमिश्नर ऑफिस में जाके कंप्लेंट डालूंगा ना, पुलिस उठा के लेके जाएगा। पाठक सर, हाँ हाँ पाठक सर, हाँ 1 मिनट मेरा क्लास हो रहा है, 1 मिनट। हाँ आप म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ सॉरी, एक्चुअल में दो आवाज आ रहे थे ना तो इसलिए डिफरेंशिएट नहीं हो रहा था। हाँ मैं पूछ रही हूँ कि जैसे ये है चिप्स कुरकुरे ये सब सारी चीजें जैसे बच्चे खाते हैं, वो खाया और मैम दूध वो वगैरह खाती है, लिया कुछ ही टाइम बाद तुरंत ही लगभग, क्या इस तरह की चीजें भी होती हैं बच्चे के साथ में? हाँ जी मैम करती है ऐसे, या ठीक है, और आपकी फैमिली तो कई हिस्ट्री बार में तो नहीं फ्रूट है खा के लिकोडर्मा? भी उसी वक्त दूध मांग देती है, ऐसे भी करती है। नो अच्छा आपकी फैमिली हिस्ट्री में तो लिकोडर्मा नहीं है? मैम नो, ना मेरी फैमिली में ना इसके पापा की फैमिली में, दूर दूर तक किसी को ये प्रॉब्लम। नहीं जैसे पूरा ननिहाल पूरा ददिहाल दोनों लोग हाँ का, जी, दोनों तरफ नहीं चलो उधर से कुछ नहीं है, विरुद्ध अन्न में है। यह है कि हाँ ये सब जो जंक फूड होता है दूध वगैरह सब साथ में लेती है, साथ में कॉन्स्टिपेटेड रहती है। गुस्सा उस्सा हाँ कितना जी आता है मैम, मैम? रिपीट प्लीज। गुस्सा एंगर कैसा है बच्चे का? ओ मैम वो तो बहुत इम्पेशेंट है, मतलब बहुत जल्दी हाइपर हो जाती है, बहुत इरिटेट भी रहती है और बोलती भी बहुत ज्यादा है, हाइपर अच्छा एक्टिव है। जब वो छोटी थी ना तो डॉक्टर ने इसे ADHD बोला था कि उसके सिम्टम्स उन बच्चों की तरह लगते हैं, अगर ये स्कूल से ठीक नहीं होगी तो इसका ट्रीटमेंट करवाना, तो फिर मैंने अच्छा इसका थोड़ी देर ट्रीटमेंट करवाया था, कुछ मैंने एलोपैथी करवाया, फिर बाद में मैंने इसको होम्योपैथी करवाया, तो उसके बाद अब ये काफी हद तक इसकी हरकतें ठीक है पहले से। तो आपने आयुर्वेद नहीं दिया? मैंने इसे वो सिरप मंगवाया था चरक का, वो थोड़ा सा कड़वा था, बच्चे ने पिया ही। अच्छा
हाँ, एक पंगा ही भी हो जाता तब है। ये काफी छोटी थी एक्चुअली, ये मतलब जब स्कूल जाने लगी थी 3 1/2 ईयर्स की थी जब, तब की बात है। फिर मेरे जीजा जी अच्छा वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो फिर मैं तो वो थोड़ा बता इंग्लिश मेडिसिन ले लेता है, तो फिर मैंने इसलिए अच्छा उनसे वो स्टार्ट करवाई थी। अभी भी मैं इसको इसके ल्यूकोडर्मा के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ही दे रही हूँ फिलहाल। ये किस मंथ बॉर्न है मैम? ये मैम अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, हम ना श्रीनगर गए थे तो वहां पे ना इसके लिप्स के पास ना ऐसे कुछ हो गया, तो मैंने सोचा शायद ठंड की वजह से लिप्स फट गए हैं, वो ऐसे कुछ हुआ है। फिर वो ना ठीक ही नहीं हुआ, मतलब स्किन का कलर नॉर्मल ही नहीं हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया। एंड देन मैंने ध्यान दिया कि मे बी ये ल्यूकोडर्मा टाइप हो सकता है। फिर मैंने 2 3 स्किन डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने हाँ भी बोला कि हाँ लग तो वही रहा है, मतलब श्योर नहीं कह सकते बट सिम्टम्स पता है वैसे ही है। तो फिर एक सर ने मुझे वो पिगमेंटो टैबलेट दी थी और एक ट्यूब दी इसको लगाने के लिए, वो ये मैं लगा रही हूँ इसे। हेलो, हेलो शशि मैम, हेलो, अच्छा नवनीत, और कोई हिस्ट्री है तो भी दस दो। एक्चुअली जरा एक छोटी सी ना लाइक होने वाली सी बिफोर बर्थ हार्ट डेमेज ना, एक मतलब एक सीगा जिन्हों आप उन्होंने क्या सी कि इकोजेनिक फोकाई है, पर आफ्टर बर्थ बिल्कुल नॉर्मल है, सारे टेस्ट करे थे नॉर्मल आए सी। कहने से कि कई बच्चों के नजर आंदा है, दैट्स व्हाई अपन रिपोर्ट्स विच मेंशन कर देने हैं। हाँ, वो 6 मंथ ते ऑनवर्ड्स ठीक हो जाता है, जो ऑर्गन्स बनने शुरू हो हाँ जाते नहीं हैं और ठीक नहीं सी, एडी लास्ट 9 मंथ की स्कैन तक को ठीक नहीं सी होया, एडे वेंट्रिकल्स दे विच एक नहीं दो नहीं तीन थ्री जगह अलग ना। अलग निशान से। अच्छा ते जो मेरे मन च डाउट है कि मे बी वो कॉन्जेनिटल कोई हैगी सी प्रॉब्लम, ओदे करके एदा ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है। एक एदे आई की दिक्कत है कि जेडी दी आई बॉल है पूरी नहीं बनी, अच्छा ठीक है। नहीं तो ए आपा ओदी ए ए डॉक्टर सारा प्रेगनेंसी विच पता सीगा कि नहीं बनी हुई जैसा सब कुछ चीजें एक वालिया। सिर्फ मैनू इन्ना ही पता सीगा कि ओदे हार्ट ते निशान है, पर वो मैनू सोनोग्राफिस्ट ने भी कहा ते प्रैक्टिशनर ने भी कहा कि हुंदा है बच्चियां विच एदा कोई खतरा नहीं है, 99% आफ्टर बर्थ बच्चे नॉर्मल ही हुंदे ने, हाँ, तीन तीन साढ़े कि तीन साल उसको बाद कोई बच्चे नॉर्मल हो नुकसान, जाते हैं। हाँ कि बच्चे नु कोई दिक्कत नहीं हुंदी। ते उस हाँ तो हाँ बाद हाँ में आफ्टर 40 डेज दी सीगी आपा पेट्रिशन को, उन्होंने हार्ट रेट वगैरह सुनी तो बिल्कुल ठीक सीगी, तो उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है कुछ करवाउन दी, बच्चा बिल्कुल ठीक है, ताडा फीट प्रॉपर लै रही है, कुछ मतलब कि ब्लूनेस या इस तरह का कुछ नहीं है। ते हुन भी वो पूरा दौड़ दी सगो हाइपर एक्टिव है। नहीं तो हूँ सवेरे तो ते लैके उन्होंने शाम तक उसे की दिन दे उन्हें खाने ले। सवेरे दूध पी के जाती है, लंच विच मैं इनू सैंडविच बना के दिनी हूँ, वो खा के आंदी है आके, अजकल तेरे जब दूध पहला दूध दूध प्लेन पींदी वाला, हूँ सो दूध दूध प्लेन वाला दिन दे, नाल कुछ खांदी है प्लेन, प्लेन ना कोई विदाउट नमक वाली शुगर, चीज? ना ना गां का दूध प्लेन, सिर्फ इलायची पाई हुंदी विच, ना अच्छा, कोई शुगर रोटी ना रोटी नहीं नमक, नाल दिंदे? रोटी भी नहीं नाल दिंदे ना, कोई नमक वाली चीज या रोटी कोई इस तरह की कोई नहीं चीज नहीं कोई? नहीं दूध के नाल रोटी नहीं खांदी नो, बस ये है कि कई बार जिदा कुरकुरे लेस खाते तो बाद विच फिर दूध पी लें, क्योंकि दूध की बहुत ज्यादा आदी सी, हुण इन्हें थोड़ा उदा काफी घटाता है पिछले 1 मंथ तो। पहला दूध इन्हें हर 1 घंटे बाद कहना मैंने दूध दो, क्योंकि होर कुछ ते बच्चे ने खाना नहीं, हाँ, ते ए हुण दूध भी डॉक्टर नाल ने कहा गया, कि नमक वाला नहीं। कॉम्बिनेशन है ना नवनीत, आ ए हेतु है गया। मे भी ये भी चीज हो सकती है कि तेरा विरुद्धा हार दा कॉम्बिनेशन कोई हो गया इदा दा, हाँ नहीं, इदा है उही हो ना। रहेगा, इदा उही हो रहेगा, विरुद्ध हार दे नाल ही सारा कुछ चल रहेगा, उसे करके ही इनू लिकोडमा होया है। मे बी हाँ उही उही है, यही ठीक रीजन है। तो है। कॉन्स्टिपेशन जेड़ा मतलब दिन च 3 बार कर दिए ना, ये स्टूल पास कर दिया है? और दाइनू डी वर्म भी every 6 months दे दी है सिरप मेडिसिन। अच्छा, 3 मंथ्स रहे ना, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो हूँ सो किन्ने बजे जानती है कि एक और दिक्कत है एदी ना, टंग भी क्लियर नहीं है, टंग आम है? नहीं मतलब कि कई वर्ड्स क्लियर नहीं बोल दा, कान ता इदा मतलब कि प्रोनाउंसिएशन च दिक्कत है बच्चे को, अच्छा, वर्ड्स से, दोबारा वर्ड्स से से बोलो। मैं कॉग्निटिव सिरप सिरप दा लिया सीगा पर उन्हें नहीं पीता, अच्छा, बीता ही नहीं है ना, नहीं ठीक है पीता। ठीक है। तो नींद वगैरह किवें? ये नींद जो राती जाग जाती है कि नहीं? हाँ, नहीं जागती नहीं है, बहुत जाग साउंड नहीं। स्लीप है।
सवेरे ही एक उठना, सारी रात नहीं उठना, सो एक बारी सोगी तो सोगी, है ना। गई तो सो गई। हम दोपहरे भी जो सुती है मजे ना 3 घंटे सुती है, मजा ही कह कह के उठाया कि उठ जा एग्जाम है पढ़ना है देन अदरवाइज नहीं। तो फोकस है पूरा, नहीं नहीं है। बहुत जल्दी इधर उधर हो जाता, अच्छा ठीक है, कोई गल नहीं मतलब कोई गल नहीं। कोई ना कोई एक्टिविटी, मतलब चंचल स्वभाव है दा, जो अपन वातज प्रकृति कहने हैं ना, सिम्टम्स दे ओदां दे ज्यादा ने। वातज वाले ना, हाँ मतलब हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा, बस उछलते रहना शरारता करते रहना, मतलब है गर्ल है बट तेरे जेड़ा बिहेवियर है बॉय अच्छा स्टाइल। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, अपना ही फैमिली हिस्ट्री कोई है नहीं, है ना। नहीं नथिंग, स्किन प्रॉब्लम की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी अच्छा, प्रेगनेंसी विच तुसी की खादा सीगा, तुसी तुहाडा तुहाडा आहार विहार किवें सीगा। नॉर्मल हेल्दी डाइट ही ली मैं तो, अपना बहुत ध्यान रखा सी स्पेशली ये वरी ते, कुछ भी मेरे अच्छा नॉन मतलब वेज। खान पीन हाँ नहीं प्योर है सीगा वेज कि मिल्क दे नाल जिवें दुध वाला जेड़ा सीगा कंबीनेशन, जिवें नमक दे नाल सीगा, जे कुछ इस तरह का कभी भी उधार लिया होए कि चाह पीती होवे जां रोटी नाल खाली होवे नाल, समझ। रोटी नाल चाह। हाँ ये चीज हो जाती है बट दूध नहीं कभी पीता, दूध हमेशा कल्ला ही पीता है, जरा रात अच्छा में कल्ला ही सोने पीता है ना, लगे दूध हो जाती। हाँ ते इनू इनू भूख लगदी है, भूख रोटी ली मांगदी है ये। रोटी नहीं मांगती, उस तो अलावा सब कुछ मांगती, कुछ खान नू दो कुछ खान नू दो, पर फुलका नहीं खाना। नहीं अच्छा ते कदी दी पोटी चेक कीती है, कीड़े तो नहीं होंदे, ओदा ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ना, वर्म्स वगैरह कुछ नहीं है ना। होंगे सॉलिड टाइप ही है, कभी कभी ऐसा बच्चे लग जाता कई, आजकल गर्मी का मौसम तो हो जाता है समटाइम्स, ज्यादातर यदि कॉन्स्टिपेटेड हार्ट स्टूल ही पास करती है। अच्छा हार्ट स्टूल ही पास करती है ना, ठीक है ठीक है। कभी गैस दी, कभी पेट दर्द की शिकायत कीती इन्हें, नहीं कभी ठीक है। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, कभी करती है पेट दर्द पीछे जे, कई बार एकदम जिदा सुती पई नू वॉमिटिंग्स आ गईयां, पेट दर्द हो रही है ते वॉमिट करता ऐदा, हाँ। और इन्हें गैस्ट्राइटिस दे पिछले इसलिए ना, 2 महीने क्योंकि उहदा आवे इच स्टूल ही तीन नहीं चार प्रॉपर महीने पास हो हो रहा है रहा है। ना। हाँ वो उहदा स्टूल प्रॉपर पास नहीं हो रहा ना, फिर वो गैस वो अंदर इकट्ठा ये होंदा, पिछले जदों तीन जदों मंथ से इकट्ठा ठीक जड़ा। था, पहला नहीं थी कभी वॉमिट किया। अच्छा ठीक है, इनू इनू कही अपनी जीभ दिखाए एक बारी। अच्छा बेटा इधर आयो, अपनी टांग दिखाओ डॉक्टर नु, ऐसा करके आ देखना। हाँ हाँ आम है ना, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। सर मेरी तरफ से हो गया है, अभी किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ सर जो आप लिख रहे थे मल चिकना है, वैसा कुछ नहीं है, इसका ड्राई स्टूल हार्ड स्टूल ही रहता है। हार्ड स्टूल नहीं होना चाहिए, वो केला जैसा सर छिलने के बाद जैसा सॉफ्टनिंग चाहिए वैसा रहता है क्या। नहीं वैसा वैसा कभी कभार होता है, मोस्टली 70% केसेस में हार्ड होता और है। वो जब आप मल जब ये होता है पानी डालते तो चिपकता है क्या। नहीं वैसा नहीं, हाँ कभी कभार होता है बहुत ही रेयरली। होता है ना, और पानी में डूब भी जाता है, उसको बोलते हैं पानी चिकनापन। में नहीं, इसका जो मल है ना वो पानी में जल्दी नहीं डूबता। अच्छा फ्लोटिंग में रहता है। नहीं हाँ, एक्चुअली की है नवनीत, है ना, जेड़ा ये पॉटी है ना, जेड़ी कॉन्स्टिपेशन होती है ना, वो कॉन्स्टिपेशन नाल दा प्रॉपर स्टूल दा पास ही नहीं हो पाता। बच्चे नु की हुंदा जदों कॉन्स्टिपेशन हुंदी है ना, ठीक है, ते वो की करदा, वो जोर ला के करने की कोशिश करता है, ठीक है। जदों जोर लाने की कोशिश करता, फिर उदो जदों पेन हुंदी है ना, जिवें फिशर टाइप जिवें पेन हुंदी है ना, वो की करदा अद्धा अद्धा स्टूल पास करता, अद्धा वो अंदर ही रख लेंदा कि मैनू पेन ही ना हो। फिर वो हौली हौली इकट्ठा हुंदा। हाँ ना ऐसा हाँ नहीं है, कभी भी मैं स्टूल पास करने लगे नहीं क्या कि मेरे पेन होती है ना, ये अच्छा ठीक है, ते सुसु कदी। स्टूल आराम नाल ही पास कर लेती पर करती हार्ट है। ये मेरी छोटी बेटी नु प्रॉब्लम है कि वो पॉटी करने लगे रोंदी कि मेरे दर्द होंगी, बट एने नहीं एने बचपन तो लैके हुन तक नहीं आया, मतलब नहीं क्या कि दर्द होंगी। अच्छा सर पूछ ठीक है रहे कृमि की हिस्ट्री है क्या, वर्म्स की हिस्ट्री है क्या। अच्छा दही वगैरह खाता है क्या। नवनीत नहीं सर, यू दही नहीं खाती, शुरू से ही नहीं खाया, बचपन में थोड़ा 6 to 9 8 10 मंथ्स तक खाया होगा जब मैंने स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया था सेमी सॉलिड।
उसके बाद जब अच्छा ये 1 ईयर से आपको हुई, उसके बाद उसने दही वगैरह बहुत कम खाया, अब तो बिल्कुल नहीं खाती। कृमि कृमि वर्म्स का वगैरह वो गिरते हैं क्या, छोटे छोटे कभी बड़े ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई दांत कटकटाती है, ना कभी कभार है इसके मुंह से ऐसे वो लार सी निकलती है समटाइम्स, वो भी हमेशा नहीं। अच्छा नवनीत, ये कभी ऐसे तो नहीं करती कि बस पोटी पोटी आई है तो होल्ड करके रख लो कि हाँ मैंने अभी करनी ही नहीं है? कभी ऐसा तो नहीं किया जाए, सुसु नहीं आया है तो मेरे को होल्ड करके नहीं रखना नहीं है? मैं कभी ऐसा नहीं नहीं किया? ऐसे नहीं। ठीक है नवनीत, ठीक है फिर। तुसी पाठक सर हमारा हो गया है, ठीक है, पेपर आपको बर्क क्या किया है हेतु फिर क्या मिला? सर? हेतु इनका विरुद्धाहार का है, क्योंकि मुझे यहाँ तक लग रहा है ना कि वो दूध के साथ ना नमकीन जैसे कुरकुरे चिप्स वगैरह ये चीज बच्चा खाता है, और रोटी कम खा रहा है, मतलब अलग से जो चीजें होती हैं जंक फूड वगैरह वो ज्यादा खाता है एज कम्पेयर टू उसके, और फ्रूट ज्यादा खा रहा है, और दूध ज्यादा टाइम के साथ फ्रूट ज्यादा टाइम हो रहे हैं, और दूध के साथ जो फल के साथ हम जो खट्टा आहार ले रहे हैं, इवन आप चिप्स वगैरह भी ले रहे हो, तो वो चीजें जो है विरुद्ध आहार जो है वो एक मेजर पॉजिटिव फैक्टर है सर। ठीक है, इसके वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इनको रखना है कि इनको लीव कराना है? नहीं सर इनको रख सकते हैं सर, इनसे आप बात कर लो ठीक एक बार, क्योंकि मैंने आपसे ही मतलब ये सारा करेंगे अभी। है, चलिए इस पे ट्रीटमेंट का भी थोड़ा डिस्कशन हो जाए। तो शशि मैम, आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगी ऐसे केस में? शशि मैम सुन पा रही हैं? कुछ बोलिए आप प्लीज, ट्रीटमेंट डॉक्टर सर प्रशांत रोटी को भट्टी। एरंडा तेल लगा के देना चाहिए, रोटी को हाँ अपन एरंडा तेल देना चाहिए, घी हाँ का भी सेवन, जो उसके बाद अच्छा उसको दीपन पाचन अनुलोमन करके त्रिवेद लेमन लूज मोयो, इससे तो एरंडा तेल से तो विरेचन होते रहेगा सौम्य उसको, हाँ और दीपन पाचन के लिए कुछ आम पाचक वटी वगैरह भी चालू करना चाहिए। तो हाँ सर, और लहसुन आदि वटी वगैरह भी दे सकते चूसने के लिए, आप बोलते हो सर, ये भी हाँ चल करेगा तो भूख अच्छा होगा, स्टूल भी सॉफ्टन हो जाएगा उससे। फिर कोई 7-8 दिन के बाद घी का मात्रा और रोटी का मात्रा बढ़ाना चाहिए, जंक फूड टोटली स्टॉप करना पड़ेगा इनको। सर विरुद्ध आहार का हेतु है एक्चुअली, तो विरुद्ध आहार में मतलब जंक फूड तो है ही, जंक फूड के साथ ये बच्चे हैं तो उनको थोड़ी रहता है वो अपना दूध दूध लिए ये सब सारी चीजें, तो वो पूरा मैम बंद करना पड़ेगा। आपको पता है कि दूध के साथ में नमक का कोई भी आइटम 2 घंटे के पहले या 2 घंटे के बाद, मतलब ये बिल्कुल क्लियर कट रखोगे, कभी सॉल्ट कुछ लिया तो कम से कम एटलीस्ट 2 बार का डिफरेंस होना चाहिए मिल्क आइटम में, ठीक है? तो विरुद्ध आहार वाला आपको टोटल बंद करना पड़ेगा, और हाँ जी सर बोलूं, और बच्चा है तो इसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह या जो आपको लगता है कि स्टूल इस तरीके से बड़ा हार्ड टाइप का सारे चीज रहता है, तो छोटे बच्चों को आप सुकुमार घृत भी दे सकते हैं, और खाने में अगर इसकी अग्नि बढ़ा करके घृत दे देंगे तो उससे बड़ा आराम अपने आप आ जाएगा। और छोटा बच्चा है तो जैसे पंचतीर्थ घृत या महातीर्थ घृत इस तरह की चीजों को पान तो नहीं कर पाएगा, आप उसको मेडिकेटेड फॉर्म में इस तरह का कुछ भी दे सकते हो, जैसे आरोग्य वर्धनी भी काम करती है, बच्चा है तो आप पत्रिका आदि क्वाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। अश्विनी मैम, अब है सर कुछ ट्रीटमेंट बताइए। इस बच्ची को जो ये घूमने गए थे वहां ये जो हुआ था, मेरे हिसाब से कोई कीड़े का भी असर हो सकता है, इसमें दूसरी विष का भी प्रयोग करना चाहिए अपन को। हाँ अच्छा, दूषित विष की चिकित्सा? उसका कारण भी हो सकता है, ये वृद्ध आहार तो है ही, वो तो करना ही अपन को, ग्रहणी पर ट्रीटमेंट तो, लेकिन उसके अलावा इसको उससे भी हो सकता है, इसलिए उसको भी साथ में लेके चलना चाहिए अपन को। जी ठीक है, डॉक्टर मनीषा मैडम जी आप कुछ सजेस्ट करिए। मनीषा मैडम बहुत अच्छा बताती हैं, अगर सुन पा रही हैं तो मनीषा मैडम आप कुछ बताएंगी प्लीज। मनीषा मैडम हैं? हैं मैम। मनीषा मैडम आप कुछ ट्रीटमेंट बताइए, आवाज नहीं जा रही है। वीना मैम आप कोई ट्रीटमेंट बताइए। कृमि का चिकित्सा करना पड़ेगा, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस ऐसे देना पड़ेगा। और कोई बोलिए प्लीज। गंगवार सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? श्वित्र की चिकित्सा बतानी है। प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बोल रहे हैं प्लीज।
मैं अभी सबका सुनना चाहता हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं? प्रवीण कश्यप जी आप कुछ बोलिए प्लीज, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है तो हम इनको लीव करा देते हैं, हम बाद में चिकित्सा पे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ये 1+8T कौन है, कोई न्यू पेशेंट है क्या? 1+8T कृपया इधर आइए, केस टेकिंग करना है तो। सर इनको ले लो। हाँ ले लीजिए। चलिए इनका केस टेकिंग करते हैं। इनका नाम क्या है? सर वजीर मलिक, अच्छा ये आप किसके इजा पेशेंट हैं? करेंगे, मेरे को इजा पैरालिसिस हो करेंगे। गई भाई। वो ठीक है, लेकिन आपको कौन लेके आया है यहाँ पर? यहाँ जो पे बैठा प्रवीण कश्यप जी। अच्छा, परवीन कश्यप जी आपके पेशेंट हैं। ठीक है, इनका केस टेकिंग करना है, कौन करेगा? तनिका मैडम आप करेंगी केस टेकिंग इनका? जी सर हाँ आप करिए प्लीज। जी। प्रणाम सर, कैसे हैं? कैसे हाँ जी हैं सर? बहुत बढ़िया मैम। हाँ जी सर। एज कितनी है? अपना नाम और एज बता दीजिए। मैम नाम है वजीर मलिक और एज एज है 45, ओ 44, 80 बर्थ है 40। हाँ ठीक है। और क्या जी। दिक्कत क्या है सर? मेरे को मैम 2018 में पैरालिसिस हो गया था, लेफ्ट साइड बिल्कुल डैमेज अच्छा ठीक है, फिर जी। तो अभी मेरे को दिक्कत है, मेरा हाथ में मूवमेंट नहीं है, कौन से वाले सर? लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट वाली आइटी में में जी। भी? तो अच्छा, हाथ में ही दिक्कत है कि बाकी वाला भी बाकी टांग में मैं दौड़ नहीं सकता मैम, स्टिफनेस होती है, चलने में तो इतनी दिक्कत नहीं है लेकिन दौड़ नहीं पाता है? अच्छा, दौड़ नहीं पाते हैं? ठीक जी। है। और हाथ बिल्कुल ही ऊपर नहीं उठता है क्या? मैम वैसे तो उठता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुट्ठी बंद करने और बंद तो हो जाती है और लेकिन खुलती नहीं है, दूसरे हाथ के साथ खोलना कर पड़ता है। करके बताइए, करके बताइए एक बार। जैसे मैं अंदर तो जा रही है, बाहर नहीं खुल रहा, ये ऐसे तो हाथ के बाहर साथ हाथ के खोलना साथ पड़ता है करना पड़ेगा। जी मैम। अच्छा ठीक है। और लेग्स जो है चल पाते हैं, पर प्रॉपर अगर बोलो तो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है ना? हाँ जी मैम। हाँ जी अच्छा ठीक है। और ये आपके ऊपर वाला फेस का भी एक लेफ्ट साइड का हुआ था, मैम, बहुत ज्यादा टेढ़ा हो गया था वो अटेढ़ा हो गया था? ठीक जी। है ठीक है। और ये आईज जो है वो भी थोड़ी सी वो छोटी हो गई है? जी वीकनेस है इसमें भी, आईज में एक आंख बंद नहीं होती, अगर बंद करूंगा तो दोनों करनी पड़ेगी। अच्छा, एक आंख नहीं होगी? और ये भी एक है, ये अकेले ये भी नहीं होती, अकेले ये नहीं होती ठीक है। ये कब हुआ था? मैम। मैं 2018 में इकट्ठे ही हुआ था ये सारा, जो भी लेफ्ट साइड डैमेज और हुआ क्यों था? मतलब कोई बीपी वगैरह बड़ा था या? मैम। हाँ जी जो रीजन बताया था, यहाँ मैं एडमिट हुआ था, डॉक्टर साहब है हमारे कैथल में, अच्छा वहां पे उन्होंने बताया था कि आपका बीपी हाई हुआ है और कोलेस्ट्रॉल राइज हुआ है अच्छा कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ और बीपी हाई हुआ था उस टाइम पे। जी, मेडिसिन उसके कारण क्लोट वगैरह हो गए पहले माइंड। खाते थे बीपी की क्या? पहले नहीं मैम अभी खाता हूँ, पहले कभी नहीं खाता था। कभी नहीं खाता था? मतलब 2018 की बात है, तो आज से 6 साल पहले की बात। अब ये जी फोर्टी मैम फोर को 38 में हुआ था आपको पैरालिसिस, है ना? जी 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 मैम तो उससे उसके बाद आपका यही यही चल रहा है उसके बाद की, जहाँ बिल्कुल पैरालाइज था, धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आनी शुरू मैम हुई है? धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। पहले तो मैं खड़ा में ही, मैं 3 महीने में हुआ था अपनी टांगों पे खड़ा, अच्छा। और बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह कुछ नहीं चलाता था। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते करते मैं ऑफिस जाने लगा, स्कूटी चलाने लगा, साइकिल चलाने लगा, तो फिर अब ये हाथ की मूवमेंट में प्रॉब्लम है मेरे को अच्छा, अभी मतलब पूरी स्ट्रेंथ नहीं है ना, 100% हमारे में मैम। स्ट्रेंथ नहीं? मैम स्ट्रेंथ तो जैसे दबाने में तो है, लेकिन वो फॉरवर्ड करने में दिक्कत है, जैसे हाथ को अच्छा, खोलने में खोलने में दिक्कत है ना? हाँ, खोलने में दिक्कत जी, है, तो खुलता नहीं है। मैं प्रॉपर अपने ऑफिस की वर्किंग नहीं कर पा रहा इस वजह से अच्छा ठीक जी है, ठीक है सर। तो उसके पहले सर क्या खाते पीते थे? नॉन वेजिटेरियन हैं आप? जी मैम। ले लेता था जी। अच्छा ठीक है। तो अपनी थोड़ी सी पहले पहले वाली, आज वाली नहीं, पहले वाली क्या खाते पीते थे सुबह से लेकर शाम तक, बताना क्या खाते थे आप? मैं सुबह में तो नाश्ते में तो रोटी खाता हूँ मैं सुबह से ही, ओ हमेशा से ही। कितने बजे उठते हाँ हैं सर? जी कितने बजे उठते हैं? मैं उठता मैं 6 से 7 के बीच में तो शौच वगैरह आ जाता है उसी टाइम?
जी पहले मैं पीता हूँ पानी, गर्म पानी वह जैसे मान लो ताजा पानी मटके का, तो उसके बाद पीता हूँ चाय, चाय अच्छा हाँ, सुबह पीते ही फ्रेश हो जाता हूँ। जी सुबह चाय पीते हैं खाली पेट। जी खाली पेट जी, नहीं फ्रेश होने में थोड़ा सा रहता है, अगर नहीं चाय पियेंगे तो फ्रेश नहीं होएंगे। फ्रेश होने में दिक्कत रहती है मैम। अच्छा विदाउट चाय ना, जी ठीक है आगे बताइए। तो तो उसके बाद फिर ऑफिस चले जाते हैं ना, दो के रोटी खा के। जी खाना खा के जाते हैं ऑफिस। जी खाना खा के, दो फुलके खा के, चाय या दूध के साथ, हाँ दूध के साथ फुलके खाते हैं। दूध मिले या चाय मिले, अगर लस्सी हो तो लस्सी के साथ भी। जी अच्छा कुछ भी खा लेते हैं ना सुबह। ये कोई जरूरी नहीं है कि दूध के साथ ही चाहिए या चाय के साथ, अच्छा अगर दही ठीक, हो तो फिर चाय दूध की जरूरत नहीं, दही के साथ भी खा लेते हैं। अच्छा ठीक है। तो तो जब पहले भूख भी लगती यही है था और सुबह आज भी ऐसे ही। ब्रेकफास्ट जब करते हैं तो भूख लगती है? मैम इतना कोई खास नहीं लगती, नहीं बस ऐसे ही लगती, होता है कि ऑफिस जाना है तो एक दो फुलके खा लो। खा के जाओ। ठीक है जी ठीक है, आगे आगे बताइए। मैम दोपहर को फिर वही दाल फुलका वगैरह और जो भी बीच में सब्जी चाय, मिले, बीच में चाय। चाय बहुत पीता हूँ मैम मैं। हाँ वो पित्तवर्धक आहार विहार है ना। ठीक है ठीक जी है, आगे आगे फिर आप ऑफिस जाके कितने बजे चाय पीते हैं? मैम जाके जैसे मान लो जैसे भी कोई वर्किंग है, मेरा काम ऐसे है मैम जिम्मेदारों का मिलने का। क्या काम करते हैं सर? मैम मैं जूनियर इंजीनियर हूँ जेई इरिगेशन डिपार्टमेंट में, अच्छा ठीक है, मेरा काम है फील्ड का, लोगों से मिलना, जिम्मेदारों से मिलना, उनकी समस्याएं पानी देना ये वो। तो चाय वगैरह तो अगर वो मेरे ऑफिस आ गए तो मेरे को भी पिलाना पड़ेगा, तो उनके साथ मेरा भी हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा ज्यादा नहीं हो सर जाती है। ऐसा नहीं होता है, उनको पिलाना है तो पिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि मरीज ये चीज नुकसान कर रही है तो हम नहीं पियेंगे ना। मैम फिर कई बार ऐसा होता है कोई जानकार आ गया, वो ये फॉर्मेलिटी समझ के फिर मना भी कर देते हैं, भाई हम नहीं पियेंगे अगर तुम नहीं पियोगे। अच्छा तो मैम ठीक है सर, वो तो अपनी हेल्थ को आपने पहले देखना ना, ये तो बात ठीक है जी। है ना, हेल्थ तो आपको पहले देखनी है। ठीक है, वो जी जो आया जानकार वो तो अभी मीनवाइल के लिए आया और चला जाएगा, ठीक है ना। जी चलिए आगे नहीं आगे कभी बताइए। कम मन होता है चाय पीने का। चाय कम, मेरा वैसे अकेले का भी मन हो जाता है, अगर कोई नहीं आया तो मैं मंगवा लेता हूँ, हाँ वो एडिक्शन होगी सर, किसी का बहाना नहीं, आपकी एडिक्शन है सर ये। बस दोनों ही है मैम, बहाना भी है और एडिक्शन भी है। हाँ दिन में कितने कप हो जाती है सर चाय? मैम 5, 6, 8, 10 तक पहुंच जाता है। अच्छा जी नहीं सर, फिर तो यहीं पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, हेतु तो मिल ही गया, आपका कारण मिल गया आपको, आपके पैरालिसिस का। मैम जो आप आदेश करेंगे कोई दिक्कत नहीं जी, वही ठीक फॉलो है, अच्छा करेंगे। लंच का बताइए सर, कितने बजे लंच करते हैं? लंच मैम 1 से 2 बजे के बीच में भूख लगती है? ठीक बिल्कुल लगती है जी, उस टाइम दो। है जी, लंच में क्या करते हैं सर? लंच में कुछ भी सादी सब्जी और रोटी, साथ सब्जी में लस्सी की कोशिश रहती है अगर लस्सी मिले। मिले, ठीक है। जी और आगे दोपहर सर इवनिंग के टाइम इवनिंग में भी यही रहता है मैम, दूध के साथ खाते हैं लगभग इवनिंग में, दो रात को खाना खाने जी रात को लगभग 8, 8:30 बजे। के हाँ बाद के साथ जी खाना? खाना खाने के बाद जैसे मान लो सब्जी या दाल के साथ रोटी खाई और उसके बाद दूध पी के अपने सो गए। हाँ ठीक है ठीक है सर। जी और सर ये कभी मोशन कैसा रहता है, पेट में गैसेस कैसे बनती है? गैस वगैरह मैम मैंने कभी महसूस नहीं की, कभी दर्द वगैरह अच्छा तो हो नहीं कभी ना कब्ज कभी वगैरह, अगर पानी सिर्फ चाय पीते हो तो निकल जाता है, अगर अगर नहीं पिएंगे तो कब्ज रहेगी, है ना? रहता है मैम, सेकंड कॉन्स्टिपेशन सेकंड तो डे वैसे पे भी चले रहता है, जाता है। कॉन्स्टिपेशन की तो दिक्कत होती है इनको। होती है ठीक जी हाँ है ठीक है। और स्ट्रेस वगैरह कितना है जी मैम, स्ट्रेस आपके, स्ट्रेस कितना है? तो मैम लेने को तो कितना मर्जी ले लो जी, लेकिन आप फिलहाल तो कितना लेते कोई हैं? मैं हो जाता है मैम काफी, दूसरे का भी हो जाता है मेरे ऊपर, तो और नींद वगैरह कैसे आती है? ठीक नींद में भी अगर है थोड़ा सा मीडियम ही रहता है मैम नींद तो, जब तक खुलती है नहीं बीच मान बीच लो। में, हाँ जी बीच बीच में खुलती है? न बीच में मैम, फिर तो सुबह ही उठता हूँ जी मैं, अगर नींद आ गई तो ठीक है, नहीं तो क्या पता 10 बज जाए 11 बज जाए पड़े रहे सोचते रहते हैं कुछ ऑफिस का कुछ घर का ऐसा, अगर एक बार सो गए फिर नहीं उठूंगा मैं, फिर अच्छा सुबह ही फील्ड पे उठता हूँ। ठीक है। और सर फील्ड में जाते हैं तो कभी यूरिन वगैरह का प्रेशर आ गया तो होल्ड करते हैं फिर उसको?
मैम नहीं, कोशिश तो रहती है कि जब भी प्रेशर होए तो तभी करे, हो जाती ओके ठीक है। जी। और सर ये फैमिली हिस्ट्री है आपकी कि भी किसी को बीपी हाई हुआ हो, पैरालिसिस मम्मी की बीपीआई तो पापा मैं की? मेरे, हाँ जी फैमिली है जी, ब्रदर को रहता है, मेरे फादर को भी रहता था, मेरे फादर ड्रिंक करते थे और उनको भी रहता था बीपी, अच्छा, तो बड़े नॉनवेज कुछ। सर कितना खाते हैं? हाँ जी मैम, और नॉनवेज कितना खाते हैं? मैम अभी तो नहीं, बिल्कुल बंद है, अच्छा बिल्कुल बंद कभी है, हो दो गया, अगर महीने में एक बार। 6 महीने में भी हो सकता है, कभी क्या पता 6 महीने हाथ भी ना लगावे, 6 महीने में 2 बार भी हो जाए, ओकेजनली है, ऐसा कुछ नहीं है जी तो भाई। ड्रिंक वगैरह करते हैं सर कितनी जी मैम, सर? मैम कितनी, लगभग 150-200 ml डेली? अच्छा लगभग हो ही जाता है जी अभी तो। डेढ़ 150-200 ml। सर सारा कारण तो आप ही बता रहे हैं, तो हम क्या ही ट्रीटमेंट करेंगे। मैम अगर मैं झूठ बोलूं उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है सर। पानी वगैरह कितना पीते हैं? पानी खूब पीता हूँ जी मैम, अच्छा ठीक है, लगभग आज के मौसम में तो मैं 5 लीटर पानी पी जाता हूँ जी। नहीं, वो गलत है सर। अत्यधिक अम्बुपान जो है ना, वो फिर अलग से वो डिसीजेस मैं पैदा टेबल करेगा। पे, या तो टेबल पे बोतल रखता हूँ अगर मैं ऑफिस में हूँ, और नहीं तो बैग में रखता हूँ, नहीं, वो चार दो ढाई पांच लीटर जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना ना सर। 5 लीटर पानी प्यास जाएगा लोग कहाँ? लगी किडनी जाती है स्टोन मैम, होता है फील्ड किसका? फील्ड का काम है, गर्मी में रहते हैं, फील्ड का काम है, प्यास तो लगी जाती है। अच्छा फिर ठीक है, अगर आपको जितनी प्यास है उतना पी रहे हो, दैट्स फाइन, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जबरदस्ती नहीं करते जी, जब प्यास लगते जब ही पीते हैं, इतना तो हाँ हो, प्यास ही जबरदस्ती नहीं लगती किया है। अभी तो करते। फिर भी नहीं सर जी 5 लीटर बहुत ज्यादा है, 5 लीटर नहीं पी सकते हैं सर। नहीं, ये वैसे एस्टिमेट बता रही है, इतना नहीं पीते ये वैसे। प्यास हाँ इतना नहीं, 2 ढाई 3 लीटर अगर आप बहुत भी स्वेट कर रहे हो लगते तो ढाई पीने तीन इतना लीटर चाहिए, आप बोरे पीता में तो बना के प्यास पी नहीं है सकते हो मैम। सर। देखो कभी ऐसा मेजर तो हुआ नहीं, ये तो आइडिया ही बताया मैंने आपको। हाँ 5 लीटर सर बहुत ज्यादा ये होता है, बहुत ही किडनी मतलब के ऊपर हिसाब प्रेशर लगा रहे हैं, आता है। बॉटल में पूरे एक मैम लीटर मैं नहीं आता, बोतल के हिसाब से बताया बॉटल मैंने, में पूरे बोतल एक लीटर में नहीं लगभग आता। मेरे ख्याल में लीटर नहीं, नहीं आता एक होगा, बोतल 750 ml की होती है, ज्यादा सी बस वाली नहीं आती। उसमें लीटर मैं नहीं चार आता, पांच बोतल पी जाता हूँ शाम तक मैं, 4-5 बोतल ना। हाँ वो 3.5 लीटर तक, 3.5 तक लीक होता होगा। फिर ये भी देख लेना मैक्सिमम एक बार ध्यान से, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, बोतल तो आपकी है ना। कितना होना चाहिए मैम। सर ये आपका, आप एक तो पहले तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर प्यास लग रही है तो पियो, बट नहीं प्यास अगर पे ही आपको होता है मैम बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो 2.5 से 3 लीटर से ज्यादा पानी नहीं। जी मैम, ठीक है, और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं सर अभी? कोई मैम हो नहीं पाती एक्सरसाइज तो जी, अगर वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज वाला करता हूँ पार्ट नहीं तो है? भी, क्योंकि एक तो बाजू काम नहीं करती नहीं, वो तो फिर बाजू भी एक्सरसाइज के साथ ही काम करनी है ना, जी, तो चलाओगे तो चलेगी क्या, ना। और अगर वॉकिंग वगैरह करते हो तो फिर टांग में थोड़ा सा झटका वगैरह लगने लग जाता है वीकनेस फील हो जाती है ना, जी, वीकनेस ज्यादा की। लंबे टाइम तक नहीं चल पाते फिर ये। जी चल नहीं पाते? ठीक है ठीक है सर, ठीक है जी सर, मेरी तरफ से हो गया, किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। मुझे ये पूछना है कि जब आपका पैरालिसिस हुआ था तो वो कब हुआ था जी सर, कब हुआ था? सर 2018 में 10/9/18 को मैं एडमिट हुआ था जी। तो क्या कॉज बताया था डॉक्टर ने, क्या बताया था रिपोर्ट देख के? एडमिट करके जी उसने 2-3 दिन में जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था अच्छा, और बीपी हाई था उस टाइम भी मेरा। और ये अटैक कब आया था रात को? सर क्या ये शाम को इस लगभग, अभी 9:30 है तो लगभग यही टाइम था, 9 से 9:30 के बीच में मैं खाना खा के बेड पे प्लाथी मार के बैठा था, तो मैं एकदम साइड वीक होने के कारण मैं गिर गया बस बेड पे। आपको 9:30 लग रहा है, लेकिन वो 10 से 2 के बीच में आया होगा, पित्त का काल होता है उस टाइम पे आया होगा, 10 से 2 के बीच में। नहीं सर, इनको ना क्या नाम है, शाम को 6, 5:30, 6 बजे के अच्छा आसपास हुआ जी, उस था टाइम बीपी बढ़ा होगा जी, आप जी। नहीं, उस टाइम ये डॉक्टर के गए थे, इनको वीकनेस फील हो रही थी, इनका हाथ भी काम नहीं कर रहा था, फिर डॉक्टर ने दवाई वगैरह दे के भेज दिया इनको वापस घर, फिर इनको रात को हुआ था 9:30-10 के करीब। एक बार तो मैं डॉक्टर से दवाई लेके आ गया था जी 5:30 बजे, मेरे को वीकनेस ही महसूस हो रही थी। वही मतलब 10 के आसपास हुआ होगा, पित्त का काल शुरू होते टाइम। अच्छा आप जी ये अच्छा बताइए, ये जी बताइए जी कि आपको डॉक्टर ने क्या इलाज किया था?
डॉक्टर ने उस टाइम बीपी वगैरह चेक करके जी मेरे को खून पतले वगैरह की एग्जैक्ट ध्यान नहीं जी, जो 5:30 बजे मैं दवाई ली उसका उसमें क्या दिया था उसने। ठीक है, तो MRI हुआ था आपका एमआरआई अंदर, में मेरे को राइट साइड में क्लोट से वो बताया था ब्लॉक। तो उसको डिजोल्व करने की कोई दवाई दी थी, खून को जी पतला जी 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 करके? इकोसप्रीन वगैरह लेता था जी, तो अभी भी ले रहे हैं क्या? फिर अभी भी ले रहा हूँ जी, कंटिन्यू ले रहा हूँ मैं ये तो जी, शुरू से ही उस इको टाइम पे स्प्रिन तो हाँ AV150। ठीक है। और आपको इकोस्प्रिन के साथ में बीपी के लिए कोई दवाई दिया है डॉक्टर ने? बीपी के लिए सुबह लेता हूँ जी, बीपी की खाना खाने के बाद वो लेता हूँ कार्डियक 2.5 और क्या दवाई लेते हैं? बस जी, और कुछ नहीं लेता और डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी वगैरह कराया था आपको? जी। फिजियोथेरेपी के कारण ही ये मैं मूवमेंट कर पाया, और रिकवरी का कारण भी लगभग मेरे को वही लगे कि तो फिजियोथेरेपी के किसी कारण। आयुर्वेदिक चिकित्सक, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज करवाया आपने उसके बाद? सर बीच में मैं एक आयुर्वेदिक तो नहीं है, देसी दवाई पता नहीं जो वैद वगैरह होते हैं उनके पास में गया था जी। वो जो तंबू लगा के बैठते हैं, नहीं जी तंबू नहीं, यहाँ पे हमारे रोहतक के पास एक गिरावट गांव है वहां पे पैरालिसिस की दवाई देता है वो स्पेशल। वो ठीक है। किसी डॉक्टर ने आपको घी पिला के लूज मोशन कराया था? नहीं सर तो ये डॉक्टर परवीन कश्यप जी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। किसी ने नाक में तेल डाला था आपको? नहीं डाला जी, कभी नहीं डाला किसी ने घी वाला दवाई खिलाया दवाई था? तो दी थी उन्होंने नाक में डालने हाँ की। जी सर जी वो क्या बोले, नाक में दवाई डाली थी क्या? नाक में जी जो उन्होंने दी इंजेक्शन, थी नाक जो में डालने देशी की दवाई दी थी नाक में 2 ड्रॉप डालने थे जी। 2 ड्रॉप से नहीं होगा। तो डॉक्टर परवीन कश्यप जी आपका इलाज करेंगे, आप जी हो सर सके तो अपना रिपोर्ट समय भेज दीजिए। रिपोर्ट मैंने सर इनको दे दी सारी जो भी मेरी शुरू से ही थी जी। ठीक है ठीक है। तो अभी डॉक्टर परवीन कश्यप जी के पास आप जाइए, 3 महीने आपको जाना है उनके पास, बिल्कुल सर और जी, कुछ पंचकर्म की चिकित्सा करानी है, पूरा हाँ जी हाँ जी, बॉडी उन्होंने बताया था लगा मेरे के को जी, आप ऑयल लगा के स्टीम लेना है, वो फिर हाँ जी तेल हाँ जी हाँ डालेंगे जी आपको, कुछ गोल्ड की दवाइयाँ देंगे, कुछ जी जी सर मेडिकेटेड घी देंगे, कुछ 12-13 दिन जी आपको दवाई दे के लूज मोशन कराएंगे। तो उससे क्या होगा, जी आंखें जो छोटी हैं वो ठीक हो जाएंगी, आपका हाथ जी ठीक हो जी जाएगा, अंदर जी जो सर प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा। जी सर जी ठीक है, डॉक्टर परवीन कश्यप जी जो है ना, देश के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो जी आपको अपने डॉक्टर पे सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं विश्वास करके ही स्टार्ट करूंगा अपना ट्रीटमेंट हाँ ठीक है। और ये जो सर। बाकी, हाँ बोलिए मैम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आप कह रहे थे कि घी पिलाने वाला वो जो भी कह रहे हो पंचकर्म हाँ वगैरह, हाँ तो इससे नुकसान वगैरह तो नहीं हुए कुछ, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह उससे हाई जो ब्लड नुकसान है ना वो ठीक हो जाएगा। हम जी ऐसे जी ही घी नहीं पिलाएंगे, हम उसके साथ दवाइयां देंगे। अभी क्या है, इनका हाथ ऊपर उठाने को हो रहा है क्या? ऊपर उठा जी सकते मैं हैं हाँ ऊपर सर? तो उठा ऊपर सकते हैं उठाने में मैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, वैसे ताकत लेकिन भी है, मेरे लेकिन इनवर्ड तो हो जाता है, लेकिन फॉरवर्ड बार खोलने में दिक्कत हाँ, रहती है तो क्या मुझको है, वो ड्राई हो गया बहुत ज्यादा, तो उसमें जी गाय का घी है, और मेडिसिन वाला घी देना है, ऐसे भैंस का घी नहीं देना है। हम जी कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा होता है उसको कम कर देते हैं घी पिला के, जिसका जी बढ़ा होता है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। और वो ऐसे ही नहीं, बिना भूख के नहीं दे, हम कुछ दवाई देंगे जिससे भूख लगेगा और घी पचेगा, घी डाइजेस्ट होगा, और नहीं आपको इतना खाना तो डर बस लग, एवरेज ही खाते हैं, ज्यादा भूख नहीं लगती इनको। मैं दिन में बस 5 फुलके खाता हूँ जी हाँ वो पच नहीं रहा है, आप खा रहे हैं लेकिन पच नहीं रहे, जी सारा वैसा रास्ता हो ब्लॉक है, पूरा रास्ता खोलना है ना। जी और ब्रेन में अभी भी वो नहीं हुआ, इकोस्प्रिन से खून पतला किया जा रहा है लेकिन वो अभी भी प्रॉब्लम है ब्रेन में, अभी वो ठीक जी नहीं हुआ जी है, हील नहीं हुआ है, इसीलिए जो इलाज किया जाएगा उससे आपका ब्रेन में जो जो डैमेज हुआ है वो सब रिपेयर होगा, जो नसें हैं जी उनको ताकत आएगा, और फिर आगे फ्यूचर में भी आपको फायदा होगा कि आपको फिर से ये चीज नहीं होगा। ट्रीटमेंट कब से शुरू करेंगे सर उसके लिए अभी हम डॉक्टर परवीन कश्यप जी से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो आपका जी? उल्टा वो पुल्टा खाना पीना है उसको बंद करा के अच्छे से तो डाइट। मैंने बंद कर दिया जी, मैंने आज ही मिला था इनसे मैं प्रवीण जी से, हाँ लेकिन जो भी मैंने जो मेरा ड्रिंक वगैरह का है वो मैंने कल से बिल्कुल बंद कर दिया हाँ आपको ड्रिंक पसंद है कि लाइफ पसंद है, अपनी जिंदगी सर। पसंद है कि ड्रिंक पसंद है? लाइफ कोई वो करेंगे सर, ड्रिंक को क्यों वो करेंगे जी ड्रिंक पिएंगे अभी और खराब होगा शरीर, लीवर खराब होगा, जी जी आपके अभी पहले बच्चे हैं। तो सर चाहे जितने मर्जी टाइम लगे, लेकिन जब तक प्रॉपर रिकवर नहीं होंगे तब तक ड्रिंक नहीं है।
हाँ अच्छा, उसके बाद भी नहीं पीना है, चलो कोई नहीं डॉक्टर साहब, जब तक आप का ऑर्डर फॉलो करूंगा मैं जब तक आप जिएंगे तब तक ड्रिंक बंद, जी सर। चाय भी है 8 से 10 कप। चाय भी नहीं पीना है आपको, चाय जी सुबह जी 1 कप, शाम को 1 कप, बस अदरक डाल के, ठीक जी 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 है? हम पूरा बंद नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा चाय दे रहे हैं आपको, लेकिन 1 कप सुबह 1 कप शाम को, फिर नहीं आप वो भी प्रॉमिस बंद करता हूँ करिए। जी मैं। नहीं सर ये सुबह सुबह ही 5 6 कप पी जाते हैं सुबह सुबह नहीं तो ये। आप ही बना के नहीं देती हैं, इतना टेस्टी चाय तो आप, मैं नहीं बनाती सर, मैं नहीं बनाती, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया आप ये मुझे खाना पीते हैं। चाय पत्ती मुझे दे दीजिए और इनको मत दीजिए चाय डॉक्टर पत्ती। साहब आपने बोल दिया कि बंद है, मैं सुबह शाम की भी बंद है बस, हमारे उठने से पहले ही 2 3 कप तो हमारे उठने से तो पहले ही वो पी चाय जाते हैं। पत्ती ही मत दीजिए ना, वो क्या पानी पियेंगे क्या, बॉयल करके? चाय पत्ती हटा दीजिए वो डॉक्टर जय। साहब आपसे वादा है जी, चाहे फ्रेश हो ना हो मैं चाय नहीं पीऊंगा। हाँ तो फ्रेश करने की हम दवाई देंगे ना आपको, ठीक कर बस देंगे। फिर तो चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो सुनिए डॉक्टर, अभी हम आपके सामने दवाई का डिस्कस रहे तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं डॉक्टर परवीन कश्यप जी को बताता हूँ दवाई का, और आप जी अभी सर लीव कर जाइए थोड़ा देर, फिर हम बाद में बात करते हैं आपसे, और आप ओके हर सर, सात थैंक यू सात सात दिन के बाद आप हमारे पास आइए फॉलोअप करने। सर। जब भी मैं प्रवीण जी बोलेंगे मैं उसी टाइम आपसे जुड़ हाँ, के और बात करूंगा आपको भी मन करेगा ना बात करने का, आप आ सकते हैं कभी भी। जी सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, फिर मिलते हैं, थैंक यू। हाँ डॉक्टर परवीन कश्यप जी, अगर आप सुन पा रहे हैं सर, और नहीं सुन पा रहे हैं तो आप लोग सुनिए, इनमें हमें पक्षाघात हेतु सस्नेह विरेचनम, सबसे पहले वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करनी है, घृतपान करा के, स्नेहन स्वेदन करा के, विरेचन कराना है 12-13 दिन, और दवाइयों में मैं बहुत सारी दवाइयां बताता हूँ, उसमें से चूज करना है, जैसे एकांग वीर रस, बृहत्वा चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, रसराज रस, ताप्यादि लौह वो देना है, और बीपी को कंट्रोल करने के लिए मुक्तावटी है वो देना है, और अगर एलोपैथी से बीपी कंट्रोल है तो ठीक है। दूसरा बात है ना कि इनको नस से देना है वो 101 आवर्ती का शीरबला तेल, वो देने से जल्दी जल्दी रिकवरी होगा इनका, और स्वर्णकल्प देना है तो सिद्ध मकर द्वार स्वर्ण मालिनी वसन देंगे और ठीक हो जाएंगे, ये पूरा 3 महीना लगेगा, पूरा ठीक हो जाएंगे, और फिर पहले तो 12 दिन विरेचन कराएंगे, और विरेचन करने के बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, फिर हम बस्ती देंगे, फिर उसके बाद बस्ती को फिर ब्रेक करेंगे, फिर विरेचन देंगे, फिर ब्रेक करके ऐसे करते रहेंगे, और कंटिन्यू इनको नस से देना है, और वहां पे ब्रेन में हीलिंग करना है, तो ब्रेन में हीलिंग के लिए पंचामृत लौह को घुल देंगे, महाकल्याण घृत देंगे, महापैशाच्य घृत या महापंचगव्य घृत देंगे, तो ये धीरे धीरे पूरा रिकवर होंगे, सहस्त्र पुटिया व्रत भी दे सकते हैं, जैसा इनका अफोर्डेबिलिटी है वैसे ही। वैद्य अजय जी बोले आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है हाँ, और किसी को कुछ ट्रीटमेंट ऐड करना है तो बताइए, जो मैंने बताया उसके अलावा। सर। उनका पानी पंप जो लिक्विड डाइट में भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ वो 2-2.5 लीटर भी पानी ज्यादा होगा कि जरूरत है उतना ही पानी जाना चाहिए हाँ वो, और लिक्विड डाइट भी बहुत कम कर। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, जो मैंने बताया पक्षाघात हेतु विरेचनम, ये सबसे मेन चिकित्सा है, तो किसी भी वैद्य ने डॉक्टर ने विरेचन नहीं करा आज तक, इसलिए ये पूरा ठीक नहीं हुए, अभी ये इकोसमिन और बीपी की गोलियां ले रहे हैं, लेकिन वो भी सर नुकसान। उनको थ्रम्बोलाइज किया होगा, जब ट्यूमर था तो उस टाइम थ्रम्बोलाइज किया होगा, और हिपेरिन लो मॉलिक्यूलर उनको बीडी टाइजोटिडी चालू होगा सब क्यूट। और सर आप देखिए इनको बीपी का तकलीफ है, पैरालाइज्ड नहीं, हुआ जो क्लॉट हुआ था ब्रेन में उस टाइम एडमिट किया तो थ्रम्बोलाइज किया होगा। वो ठीक है, लेकिन पेशेंट का डेरिंग देखिए, अभी भी अल्कोहल पीते हैं 200 ml तक, वो तो बढ़ाएगा ना बीपी। और ये बोल रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ तो, लेकिन सच भी क्यों बोल रहे हैं, क्यों पी रहे हैं वो, क्यों पी रहे हैं? उसी की वजह से उनको स्ट्रोक और बैठा चाय कितना पीते हैं, बिना है भूख वो, के खाना खा रहे हैं, विरुद्धन सब। दूध रोटी वगैरह वो सब्जी के साथ, दूध के सब हाँ चले। बिना भूख के खाना खा रहे हैं सब, स्त्रोतोरोध कितना है। इनको तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना है, मृदु विरेचन से ही करना है, जैसे एरंड तेल दे दिया, घी पिला के दीपन पाचन अनुलोमन करना है तो त्रिवितल्यम घी पिला के दे दिया, या फिर अभ्यादि मोदक दे दिया, या फिर एरंड तेल दे दिया, ऐसे सिंपल आरग्वदादि कषाय दे दिया, जैसे विरेचन कराते जाना है, जैसे जैसे विरेचन होगा स्त्रोतोरोध दूर होगा वैसे वैसे हाथ ठीक होते जाएगा,
और बाकी स्वर्ण कल्प मैंने बता दिया, रस कल्प बता दिया, वो देंगे तो ठीक हो जाए, 3 महीना लगेगा। नस्य का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे पास एक 97 ईयर्स के एक पुलिस आते थे, वो उनको पैरालिसिस हो गया था, मेरे बहुत मतलब स्टार्टिंग के पेशेंट, उनको मैंने ऐसे ही पक्षाघाती उससे विरेचनम किया और वो पूरा ठीक हो गए। फिर वो 105 साल तक जिए, उसके बाद नेचुरल डेथ हुई उनकी। मतलब मेरे को 5 साल मालूम है, 97 ईयर्स के थे तो 102 साल तक तो मैंने ऑब्जर्व किया, बाकी गांव में गए और 2-3 साल के बाद डेथ हो गया 105 साल में। तो लेकिन ये पेशेंट ठीक हो जाएंगे, क्रॉनिक है, इसीलिए घृतपान वगैरह कराना है, दीपन पाचन करके, तो ठीक हो जाएंगे। अगर रिपोर्ट्स आएगा मेरे को मिलेगा तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, और किसी का कोई पेशेंट है? हरिहर सर, आपके पेशेंट तनिका मैम बोलिए। हाँ जी सर, सर वो आप मुझे ये पूछना था कि बच्ची के कुछ लिप्स पे मतलब कुछ लगा सकते हैं क्या, जैसे एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए? आपको काकोदुम्बर या बाकुची मिलेगा? बाकुची सर मैं मंगवा लूंगी क्या? अभी एक्चुअली वो पंजाब में ही है तो वो मंगवा ली, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब करती है तो वो कर लेगी वो डिस्पेंसरी से। हाँ, बाकुची का तेल लगाना है वहां पे, धूप में रखना है 10 सेकंड तक, कृमि की चिकित्सा करनी है, और वर्णगन की गोलियां आती हैं वो देनी है सुबह शाम, और मेदोपाचक देना है क्योंकि मेद धातु तक गया है, और ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना जो मैं बताता हूँ अपने सेशन में, मैंने बताया ना वो सब करना है। श्वित्र की चिकित्सा, श्वित्रहरी रस है, श्वित्रघ्न लेप है, वो सब लगाने से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, अभी उसको बाकुची का तेल बोल देती हूँ अप्लाई करने के लिए ना। हाँ, जी सर, ठीक है। हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? दरअसल अभी तो उनका कैस्टिंग नहीं होगा ना, टाइम हो गया है, कल 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 करेंगे सर, करेंगे। वो तो वहां से आए थे कोड़ीनार से, और तो आप लिंक दे दीजिएगा दादा, ना। और सर इसमें दादा और उनका नाती दोनों मानस दोष वाले थे, तो अभी अभी दोनों में चकमक जर गई तो फिर चले गया। कोई बात नहीं सर, आप लिंक दे दीजिए, वो कल फिर ज्वाइन कर। कल होगा तो सर दे दूंगा सर, वो ऐसे ही चलता है उनका। वो लड़का है ना सर, हनी ट्रैप में कुछ फंस गया था वहां पे, अहमदाबाद अच्छा पढ़ता था वहां, अच्छा तब से ये चल रहा है। अगर ये बताए नहीं बताए तो मैं बाद में भी आपको बता देता, नहीं तो हिस्ट्री मैंने बोला था कि अकेले में ही लेना है, इसलिए मैंने यहाँ अपने ग्राउंड में छोड़ दिया था कि जब तेरे को पूछे तब तो अकेला बैठना और जो बताना है वो बताना, लेकिन वो अभी चले गए सर, और क्योंकि अपना टाइम भी हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, आप लोग खा पी के सो जाइए। ये जो केस टेकिंग होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, हर पेशेंट के पीछे पढ़ के और केस टेकिंग करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम।